हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने Redmi Note 5 Pro में MIUI 10 इंस्टॉल नहीं किया है या आपको करने में दिक्कत आ रही है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको MIUI 10 अपडेट को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको MIUI वर्जन 9.6.4 पे होना ज़रूरी है। तो इससे अगर नीचे हैं तो आप इस अपडेट को ना करें। अगर आपको Redmi Note 5 Pro में MIUI वर्जन 9.6.4 पे या OTA अपडेट नहीं मिली है, तो आप इसे मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहां से आप इस OTA अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यह 580 MB का है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड पे, और वहाँ पे आप देख पाएंगे फाइल जो डाउनलोड की गई है। तो यहाँ से इसको आपको कट कर लेना है। कट करके आपको इंटरनल स्टोरेज पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यह सबसे नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है सेटिंग पे। तो सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद आपको सिस्टम अपडेट पे जाना है, और सिस्टम अपडेट के बाद आप क्लिक करना है थ्री डॉट्स पे, और आपको चूज करना है चूज पैकेज पे। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है सबसे नीचे स्क्रॉल करके। तो जैसे ही आप सबसे नीचे पहुँचेंगे, यहाँ पे आप ये लिंक देख सकते हैं, और इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे प्रेस करना है। हालांकि मैं ओके पे प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। मैं जैसे ही ओके पे प्रेस करूँगा, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।